good. How are you? I'm really good. My name is Sanjana and thank you so much for doing this interview with Maya Purikat. You're welcome, Sanjana. It's very nice to be here. Okay, you are looking really pretty and you have a very unique name. Please tell us the meaning of your name. So, Anangsha actually means complete, Sampurna. Okay. Gita mein, कृष्ण भगवान के एक दीदी थे जो सपोजिटली बहुत इंटेलिजेंट थी, तो उनका नाम है अनंगशा. ओके, सो आई थिंक जितनी मैंने रिसर्च की है आपके इंटरव्यू से पहले, तो उससे मुझे लगता है कि आप उसी डायरेक्शन में जा रही है. यू आर कंप्लीटिंग योरसेल्फ बिकॉज यू आर डूइंग सो मच इन योर लाइफ. आई होप सो. या आई होप. ओके, सो हाउ इज लॉकडाउन ट्रीटिंग यू? In the beginning, lockdown was a little harsh. I mean, बहुत वो एक sudden change था ना कि आप बाहर नहीं जा सकते. It felt like a house arrest. But I think the best thing about me is I like challenges and I like adversities. और जब भी कुछ out of the normal होता है, तो मैं खुद को मैं कैसे react करती हूँ और उसको कैसे adapt करती हूँ, ये देखना मेरे लिए बहुत interesting होता है. तो एक हफ्ता थोड़ा सा सल्क किया मैंने, लेकिन उसके बाद एवरीथिंग वाज गुड एंड आई गॉट टाइम फॉर थिंग्स जो मुझे जनरली टाइम नहीं मिलता, जो चीजें करने के लिए, जैसे रीडिंग हो गया, योगा हो गया एंड अ लॉट ऑफ अदर स्टाफ. बाई नहीं आ रही थी तो घर की सफाई, खाना बनाना, सब कुछ. सो इट वाज अ वेरी नाइस एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस आई से. ओके, ग्रेट. सो लॉकडाउन में आपने तो हमें बता दिया कि आपने कौन कौन सी हॉबीज को परस्यू किया है, लेकिन हमने आपके शोज बिंज वॉच करे हैं, आपका कंटेंट देखा है. थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर शोज मिर्जापुर 2 एंड होस्टेजेस 2. और कब से फैंस को वेट था. आई एम ऑल्सो अ फैन एंड आई वॉज ऑल्सो वेटिंग फॉर द शोज. फैंस ने कितना तंग किया, स्पेशली मिर्जापुर 2 के फैंस ने, ये पूछ पूछ कर कि कब आएगा शो. तंगी नहीं किया, मिर्जापुर के लिए तो मुझे हेट मेल्स मिलते थे, हेट डीएम्स मिलते थे कि आप, मतलब आप लोगों को कोई ये नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये लॉकडाउन चल रहा है, हमें मिर्जापुर देखना है, आप लोग क्यों नहीं रिलीज कर रहे. एंड आई एम लाइक, अब इट्स सो स्वीट दैट दे आर सो अटैच्ड टू द प्रोजेक्ट, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिर्जापुर आए और यू नो देख पाए. लेकिन वही होता है, सबको अपना अपना समय लगता है, जितना समय लगता है उतना तो लगेगा. तो लेकिन इट वाज वेरी, मतलब जैसे जितना गुस्सा होते थे ना वो लोग, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, यार कितना गुस्सा हो रहे हैं. बस Amazon पे कोई भी शो आता था, उसके नीचे YouTube पर भी ट्रेलर के नीचे कमेंट सेक्शन में सिर्फ यही होता था कि Amazon आप मिर्जापुर 2 कब लेकर आ रहे हो. तो अब फाइनली मिर्जापुर 2 आ रहा है, होस्टेजेस 2 भी आ रहा है, तो आप कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. हॉस्टेजेस आ रहा है, हॉस्टेजेस सीजन 2, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि व्हाट इज द ऑडियंस रिएक्शन. क्योंकि हॉस्टेज 1 में भी हाइमा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा लोगों ने सराहाया और प्यार दिया, तो यस आई एम एक्साइटेड. और उसके बाद 23 तारीख को मिर्जापुर, तो उसके लिए तो मतलब इतने दिनों से लोग वेट कर रहे हैं और हम भी वेट कर रहे हैं, ताकि you know you also want to binge watch Mirzapur. Let's see how it goes. तो आपने हाइमा के कैरेक्टर की बात की है, तो मैं कुछ आपके इंटरव्यूज रीड कर रही थी जिसमें आपने बोला था कि it was a bit challenging for you. Why so? Because basically मैं जैसी हूँ ना, मैं बहुत मैं इमोशनल हूँ. तो गुस्सा हो, प्यार हो, मतलब इनडिफरेंस हो, जो भी एक्सप्रेशन मैं फील करती हूँ वो मेरे फेस पे होता है कि आई एम अ वेरी एक्सप्रेसिव एंड आर्टिकुलेट पर्सन. और अब क्या हो गया है कि जब मुझे हाइमा मिला तो मुझे बोला गया कोई एक्सप्रेशन फेस पे नहीं दिखना चाहिए, लाइक कुछ भी नहीं, शी हैज टू बी पोकर फेस. तो मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल था, बट इट वाज चैलेंजिंग, बट दैट्स व्हाई इट वाज फन कि जब आप वो कर पाए तो आपको लगता है हाँ चलो कुछ अचीव किया. तो मेरे लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था. और हाइमा एक ऐसी लड़की है जो मतलब वैसा किरदार मैंने पहले अदा नहीं किया था, तो मेरे लिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट पेस्ड, कोई इमोशन नहीं दिखाएगी, बहुत ही मतलब गुस्से वाली
बहुत सारा एक्शन करती है वैसी वाली लड़की. तो इट वॉज रियली रियली लॉट ऑफ फन टू बी हाई मॉम. ओके, तो एक्शन की बात आई है तो एक्शन के पीछे प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा लगता है. कितना प्रिपेयर किया था एक्शन के लिए और गन फायरिंग एंड ऑल कितना सीखा? गन तो वो हमने रिहर्सल किया था हॉस्टेज वन के पहले. और मतलब पहले आप जब गन उठाते हो ना वो इतनी हैवी होती है, मतलब 2-3 किलो की तो होगी. तो हाथ मतलब यू हैव टू रन विद इट, आपको दौड़ना पड़ेगा उसके साथ, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, गोली चलाना पड़ेगा. तो पहले तो हमें उसके साथ कि आप कंफर्टेबल हो जाओ गन के साथ, इसके लिए बहुत सारे रिहर्सल्स और प्रैक्टिस हमने किया था. आई होपफुल वो दिखता है. बट या आई थिंक रिहर्सल तो हमने काफी किए, बहुत सारी रीडिंग की, पूरे टीम ने बहुत सारी रीडिंग. Yes, it was a good learning. Okay, so now we are on to Mirzapur 2. Zarina ka character season 1 se season 2 mein kitna evolve hone wala hai? Bahut hi zyada. Okay. बहुत ही ज्यादा. मैं कैरेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि दैट वुड गिव इट अवे. बट जो आपने सीजन 1 में देखा है इट्स प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम दैट. ओके, तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा. आप इस बात से और ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, पता नहीं इतना वेट कैसे कर पाएंगे. हाइमा और सरीना का कैरेक्टर इतना डिफरेंट है एक दूसरे से, पर उन दोनों की एक एक क्वालिटी जो आपको पसंद हो और जो अनंक्षा से थोड़ी रिलेट करती हो. दोनों ही कैरेक्टर पर्सनली मुझसे बहुत ही अलग हैं. रिलेट तो मैं नहीं कर पाऊंगी पर्सनली मैं जैसी हूँ उससे. बट यस, जैसे मुझे हाइमा का जो पूरा एकदम एथलेटिक, एकदम बहुत ज्यादा ऑन हर टोज वाला जो साइड है उसका, मैं भी बहुत ज्यादा मतलब एथलेटिक हूँ और कोशिश करती हूँ रहने की. आई एम अ बिग बिलीवर इन योगा एंड आई प्रैक्टिस योगा. तो वो वाला साइड हाइमा का जो है वो थोड़ा सा आई थिंक दैट गोज विद मी. एंड वेयर एज ज़रीना इज कंसर्न, ज़रीना ज्यादा अदाओं पे ध्यान देती है एंड उसके जो डांस सीक्वेंस ये वो. सो आई थिंक दैट इज मी, मतलब यू नो कि मैं वो शेड्स देख पाती हूँ कि द डांस इज अनदर फॉर्म ऑफ पैशन दैट आई एम वेरी क्लोज. मुझे बचपन से मैंने कथक सीखा है. ओके, आई एम प्रिटी, वो डांस जो है वो मेरे दिल के बहुत करीब. मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बोला था कि यू आर गोइंग टुवर्ड्स यू नो यू आर कंप्लीटिंग योरसेल्फ, अपने नाम को एकदम सीरियसली ले रखा आपने. ओके, देखो मैं सीरियसली रहूंगी तो कोई और तो सीरियसली रहने से लेने से रहा. ऑब्वियसली यस. तो फिर नेक्स्ट ये हम पूछना चाहेंगे आपसे कि जब लोग आपसे बोल्ड सीन्स के बारे में पूछते हैं एंड दे आर सो क्यूरियस अबाउट हाउ यू फील अनकंफर्टेबल डूइंग दोस सीन्स एंड व्हाट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट एंड हाउ यू फील अनोइंग आई मस्ट से व्हेन पीपल आस्क यू सच क्वेश्चंस. यू नो व्हाट, ये क्वेश्चन मुझे इतनी बारी पूछा गया है और मैं मतलब आई होप कि मैं मेरे एक्सप्लेनेशन से लोग समझ पाए कि एक एक्टर के लिए एक नॉर्मल सीन और एक बोल्ड सीन में कोई फर्क नहीं होता. yes. आप अभिनय कर रहे हो उसमें, अगर मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी इतना नहीं करूंगी उतना नहीं करूंगी फिर तो मुझे घर बैठना चाहिए, फिर मैं अभिनय क्यों कर रही हूँ? किसी ने बंदूक तो रखा नहीं है मेरे ऊपर कि आपको करना ही पड़ेगा ये. ये तो मेरा पैशन, मैंने एक्टिंग में ट्रेन किया है. मैं ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टर में जाके आई हैव डन अ 1 ईयर कोर्स. इवाना चबक जो हैली बेरी के एक्टिंग कोच है वो मेरे एक्टिंग कोच रह चुके हैं. मेरे लिए जो मेरा अप्रोच है वो बहुत ही अलग है कि मैं जब एक कैरेक्टर के स्किन में घुसने की कोशिश करती हूँ तब मैं नहीं रहती. तब मैं अनाक्षा को पीछे छोड़ के मैं या तो ज़रीना बनती हूँ या तो मैं हाइमा बनती हूँ. तो हाइमा जो करेगी मैं वही करती हूँ या ज़रीना जो करेगी मैं वही करती हूँ. yes. तो उसमें अनंक्षा क्या करेगी वो नहीं आता, और वो अगर आ गया तब तो मैं अपने कैरेक्टर के साथ धोखा कर रही हूँ मुझे लगता है. तो मेरे ओपिनियन में जो लोग इस बात को लेके इतने
परेशान रहते हैं या सोचते हैं या बात करते हैं या बोलते हैं, अगर आप एक सच्चे कलाकार हो तो आपके लिए ये मायना नहीं रखना चाहिए कि आप एक बेड सीन कर रहे हो या क्लोज सीन कर रहे हो या एक्शन सीन कर रहे हो या ड्रामा कर रहे हो या रो रहे हो. आपके लिए सब एक होना चाहिए. यस, टोटली मेरा मानना. ओके, तो जब ये सीजन वन आया उसके बीच में आपने दूसरे कैरेक्टर्स प्ले किए होंगे और फिर जब सीजन टू की शूट स्टार्ट हुई होगी तो ऐसा लगा कि एक बार रिवाइज कर लेते हैं पिछला सीजन देख के कि मैंने एक्चुअली किया क्या था. नहीं, एक बार कर लेते हो वो तो जहन में रहता ही है, लेकिन हाँ रिवाइज करने की तो बहुत जरूरी जरूरत होती ही है. तो हम स्क्रिप्ट रिवाइज करते हैं बेसिकली. सीजन वन में क्या किया था, यू गो थ्रू द होल सीजन, यू रीड, मतलब सिर्फ मेरा पार्ट नहीं, आप पूरा ही पढ़ते हो. I belong to theater. My training is from theater. तो उसमें ये नहीं होता कि सिर्फ अपने lines पढ़ लो या सिर्फ अपना वो पूरा text पढ़ने के लिए कहते हैं, वो पूरा script पढ़ने के लिए कहते हैं. Okay. फिर वैसे आप approach करो. This was my next question actually, that you have done theater, you have performed in front of so many people and you have worked in front of camera also. What is the difference और मजा किस में आता है ज़्यादा? देखो, मजा तो सब में आता है. हर एक मीडियम का जो है वो अपना ही मजा है, अपने प्रोज हैं, अपने कॉन्स हैं. तो जैसे थिएटर आप करो तो आपको गर्मा गर्म रिएक्शन तभी मिल जाता है जब आपका प्ले खत्म होता है. पृथ्वी में मैं काफी बार परफॉर्म कर चुकी हूँ और वहाँ ऑडियंस आके इतना प्यार देते हैं और सडनली यू नो आपको फीडबैक देते हैं, एकदम गर्मा गर्म फीडबैक मिलता है आपको, आपको वेट करने के लिए जरूरत नहीं है. तो वो है थिएटर. और थिएटर में क्या होता है कि आपको जो लास्ट रो में बंदा या बंदी बैठी हुई है, आपको अपने इमोशन से उसको इफेक्ट करना है. ओके, राइट. या लेकिन जब आप फिल्म, टेलीविजन और वेब शोज की बात करते हो, इसमें आपको खुद को इफेक्टेड होना पड़ता है ताकि सामने वाला जो आपको देख रहा है वो आपके फीलिंग्स के साथ कनेक्ट कर पाए. तो That is the only difference. Otherwise, web shows में हाँ एक डिफरेंस ये है कि हम जैसे एक्टर्स जो थिएटर से बिलोंग करते हैं और जो टेलीविजन उतना नहीं करना चाहते थे क्योंकि नॉट दैट एनी मीडियम इज बैड और गुड, बट वो कॉन्टेंट जो होता है शायद वो अपीलिंग नहीं था उतना. तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ काम है, जहाँ आप कितने पानी में हो ये आप दिखा सको, जहाँ यू नो योर परफॉर्मेंस इज एक्चुअली एट स्टेक. और वेब शोज में क्या हो गया है कि वेब शोज के लिए इतने इतने कलाकारों को काम मिल रहा है और लोग इतने ब्रेव सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि मजा आ रहा है. ये बहुत ही सही टाइम है हम जैसे एक्टर्स के लिए. Yes, actually, lockdown की वजह से तो ये चीज अब और बढ़ने वाली है. I think हर चीज इवॉल्व होने वाली है, especially entertainment industry में. OTT platforms की जो इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है. Yes, तो फिर there are a lot of young girls who look up to you और जो आपकी तरह एकदम perfect shape चाहते हैं, glowing skin चाहते हैं. Please tell us your one secret. We know you do yoga and you work out, you dance well also, but still one secret. पहली बात मुझे लगता है कि मैं ये उन सारे aspiring actors, teenagers और सारे लोगों को बताना चाहूंगी कि आप अगर अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे, अपना आपका हेल्थ जवाब देगा. और ये जो लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं या जो भी ये सब एडिक्शन है कूल होने के लिए, ये कूल नहीं है. आपको कूल बनना है, आप नॉलेज एक्वायर करो. आपको कूल बनना है, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को जानो और अपने हेल्थ का ख्याल रखो. जितना एफर्ट आप डालोगे, एक कहावत है ना, जितनी गुड़ आप डालोगे चाय उतनी मीठी होगी. तो आपको अगर अपनी स्किन ग्लोइंग चाहिए, जैसे मेरा जो भी है वो बस इसीलिए है कि मैं अपने हेल्थ का ख्याल रखती हूँ और मेरा कोई एडिक्शन नहीं है. सिर्फ द ओनली वन एडिक्शन दैट आई हैव, मैं चाय एडिक्ट, मैं चाय पीती हूँ, उसमें भी काफी सारी अच्छाई होती है. तो इसीलिए आई थिंक ये दिखता है. जैसे आप अगर पांच बार जिम जाते हो तो वो आपके बॉडी में दिखेगा. आप अगर महीने में एक बार जाते हो वो भी आपके बॉडी में दिखेगा.
तो आपको क्या चाहिए उस हिसाब से मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. ग्रेट एडवाइस. आई होप कि जैसे सेलिब्रिटीज कुछ बोलते हैं तो फैंस फटाफट से फॉलो भी करते हैं, तो शायद आपका ये इंटरव्यू देखकर कुछ लोग तो इस एडवाइस को फॉलो कर ही लेंगे. और मैं खास करके आजकल के यूथ को बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत, मैं भी जब पहले पहले मुंबई आई थी ये बहुत मुझे भी सुनना पड़ता था कि पीयर प्रेशर होता है कि आप स्मोक क्यों नहीं करते, आप ये क्यों नहीं करते, आप दारू क्यों नहीं पीते, आप पार्टीज क्यों नहीं जाते. आपके दोस्त भी शायद आपको यही सब चीजें बोलेंगे, बट ट्रस्ट मी ये सब जरूरत नहीं है. मैं ये सब कुछ नहीं करती हूँ एंड आई थिंक आई एम प्रीटी कूल. तो आप भी बहुत हो सकते हो ये सब बिना किए, तो कोई पीयर प्रेशर के अंडर एकदम मत जाइएगा. तो ये इट्स एन अपील टू द यूथ ऑफ इंडिया. आई होप ये अपील लोगों तक पहुंचे. सो ओके, मूविंग ऑन, रैपिड फायर सेशन. यू हैव टू गिव वन वर्ड आंसर. ओके, सो योर फेवरेट फूड. बंगाली क्विजीन, माछे झोल. Okay. Your favorite book? My favorite book? Yes. Kafka by the show Murakami. Okay. What do you prefer, Western clothes or Indian traditional wear? I prefer both. Like it depends on my mood. I love saris. I wear a lot of saris. And at the same time, I wear a lot of Western like jeans and t-shirt. Kabhi mehnat karne ka man na kar, jeans and t-shirt. So yeah. Both. Okay, your dream destination? I really like Thailand a lot. I like the beaches there. I also like Australia क्योंकि मैंने पढ़ाई की है वहाँ पे, तो वहाँ के beaches भी. So I'm a beach person. So yeah, I really like both Thailand and Australia. Okay, what do you miss most about Kolkata? The food. The food. I miss the food. Okay, your favorite actor? I'd say Charlie Chaplin and Meryl Streep. Wow. So, any character that you admire and you want to play on screen? Bahut sare. I like all the films that Smita Patil ji had done, you know, that era and those kind of films. Aaj ke time pe, I like the choices that Kangana Ranaut makes. Matlab queen ho gaya, wo jo choices, unko jaise scripts milte hain, they're really nice. So yeah, lots of itte sare. Then Barfi mein Priyanka Chopra ka role, so challenging. I mean, that would be really a dream. So yeah. Okay. Three words that describe Anamsha. Confident, articulate, pet lover. Oh wow, pet lover is nice. Okay, singing or acting? Sorry? Singing or acting? Singing or acting? Acting, any day, always. Okay, lockdown ki ya phir ghar par rehne ki ek अच्छी बात और एक बुरी बात? अच्छी बात ये है कि हम बहुत जिंदगी में बिजी रहते हैं, तो इसलिए ये बाहर की चीजें हमेशा दिमाग में रहते हैं. लॉकडाउन ने ना एक ठहराव ला दिया था और वो अंदर झांकने के लिए एकदम पॉज कर दिया था कि आप अपने आप अपने अंदर झांको और चीजों को जो रफ एजेस हैं उसे स्मूथ करो. तो आई थिंक दैट वॉज, मैंने बहुत सारा मेडिटेट किया एंड ऑल, सो इट वाज रियली वेरी पॉजिटिव फॉर मी लॉकडाउन. नेगेटिव बस ये है कि माँ बाप से मिल नहीं पा रही हूँ, दोस्तों से मिल नहीं पा रही हूँ. अभी भी जैसे लॉकडाउन खुल गया है बट इट्स स्टिल नॉट दैट सेफ. सो या दैट इज द ह्यूमन कनेक्ट, आई थिंक दैट इज माइनस पॉइंट. ओके, दिस वाज सो मच फन. आपके बारे में काफी कुछ जानने को मिल गया हमें जल्दी जल्दी से. So, मायापुरी के साथ आपकी कोई मेमोरीज हो? याद तो नहीं है. Okay. But memories बनाते हैं और याद रखेंगे संजना. Yeah, please. Okay. So, any message to your fans?
अपना ख्याल रखिए, मेंटल फिटनेस में ध्यान दीजिए, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए, दूसरों का छोड़ के खुद पे ध्यान दीजिए, और ये समय भी बीत जाएगा. मेरे पापा कहते हैं, और ये मेरा फेवरेट हम रूल है लाइफ का, कि अच्छे समय में हर कोई अच्छा हो सकता है, खुश हो सकता है. समय जब बुरा हो तब आपके कैरेक्टर में कितना दम है ये पता चलता है. तो ये समय थोड़ा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑल टुगेदर हम सब पैंडेमिक से उभर आएंगे. जस्ट ख्याल रखिए अपना. तो आज हमने आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी है, और कोशिश करेंगे सब कि इस पर बिल्कुल अमल किया जाए प्रॉपरली. Thank you so much for this interview, Anangsha. This was so much fun. It's a pleasure to have you on Mayapuri Cut. And all the best for your shows, Hostages 2 and Mirzapur 2. May you keep getting good work, and please keep entertaining us. Thank you. Thank you so much.